फिर बड़ा अच्छा सवाल है, पार्किंग कह रहा सेंस पार्किंग फॉर $10 पर वीक एंड $30 पर मंथ, क्या कमाई है यार। हाउ मच दस अ पर्सन सेव इन अ ईयर बाय सेंडिंग बाय द मंथ रेदर देन बाय वीक। देखो $10 पर वीक ही कमा रहा है, 10 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो 520, 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 360, 520 और 360 में कितने का फ़र्क है, 160 का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 160। फिर यहाँ देखो x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, यहाँ 3 पुट करो, 3 2 6, 45 में से 6 माइनस करो, 39 इज़ योर आंसर। यहाँ देखो वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन 0.0026। अब देखो एक बात सुनो, ये सारे ऑप्शन हैं, डेसिमल के बाद 4 नंबर इस अलावा डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। अब 2 नंबर वाले ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। यहाँ देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 16 का तो 256, तो ऑफकोर्स क्या हो सकता है अप्रोक्सीमेट में 0.05 आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 25 होता तो एक्यूरेट आंसर होता है। फास्ट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मैथ्स में। द 180 स्टूडेंट इन अ ग्रुप टू बी स्टूड इन रॉ सो दैट देयर इज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ रॉ एक्सेप्ट। यानी यार जब इक्वल में है तो इसका मतलब है 180 का डिविजिबल होना चाहिए। 4 क्या 180 से डिवाइड होता है जनाबे अली, हो जाएगा 45 आ जाएगा, 20 होता है हो जाएगा 9 आ जाएगा, 30 होता है बिल्कुल जी 6 आ जाएगा, 90 होता है 2 आ जाएगा, 40 नहीं होगा। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो ना हर एक में, भाई 90 अगर हो तो साल में 90-90 की दौर हो बन जाएगी, 40-40 से नहीं होगा, क्योंकि देखो 40-40-40 160 हो गए और जबकि यहाँ तो 180 है, तो साल में आंसर हो जाएगा 40 हमारा।